होगा, ये अभी तक एक पहेली है। सीनियरिटी सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। एक ऐसा लीडर चाहिए जिसकी सब रिस्पेक्ट करें। देखिए, सीनियरिटी रिस्पेक्ट की बात ठीक ही है, लेकिन हमें अपना अलायंस के बारे में तो सोचना पड़ेगा। ये मिलीजुली सरकार है, कोई ऐसा नाम हो जो कि सारे गुटों को संतुष्ट कर सके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं चाहती हूं आप सब मेरे निर्णय में मेरा साथ दें, और ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था। खाए लोगों के बारे में सोचा, पार्टी के फ्यूचर के बारे में, देश के बारे में, और हर पहलू पे गौर करने के बाद मेरा विश्वास है कि हर कसौटी पे केवल एक इंसान खरा उतरता है। प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। उस विचार, उस सोच को नहीं रोक सकती है जिसका समय आ गया है। भारत का समय आ गया है। मैं आज इस सदन से कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय होगा और विश्व की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा जो विषय प्रधानमंत्री के रूप में मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं करूंगा। सरकारी चाय बहुत मीठी होती है, इसे पी पी के कई लोगों के दांत खट्टे किए मैंने। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। पेशा है मेरा। हाय, मैं संजय बारू, एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस। क्यों संजय जी, हेडलाइन खोज रहे हो? आज की हेडलाइन तो आप ही है चौहान साहब, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मुबारक हो, बड़ी मिनिस्ट्री है। आपका कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास ही रखने वाले हैं। खबर पक्की है? प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे बता दिया। आप आग बन करके हेडलाइन छाप दो। एक्सक्यूज मी, सरकार में वापसी मुबारक हो अन्ना। शुक्रिया बारू, शुक्रिया। क्या नया ताज़ा? आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस, और क्या?
अच्छा, मैंने तो सुना है पीएम खुद फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बारू, अगर पीएम फाइनेंस संभालेंगे तो मैं क्या करूं? आपका एडिटोरियल सच हो गया, पार्टी ने डॉक्टर को बुला लिया। बहुत सालों बाद एक ऐसे पीएम आए हैं जिनकी रिश्तेदार रियल एस्टेट में ना हो। लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स खेल पाएंगे? नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक माइनॉरिटी में सरकार चलाई थी। डॉक्टर साहब ने अपने गुरु से कुछ तो सीखा होगा। सर सर सर, मिस्टर बारू, आपको हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। चिदंबरम होंगे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको तो डॉक्टर साहब ने ही बताया था ना। एक्साइटमेंट में हाई कमांड से पूछे मैंने, शायद मुझे बता दिया होगा। ऐसा भी होता है क्या? नाम मनमोहन सिंह। बच्चे की जन्म तारीख? जन्म तारीख को लेना जी, उन्हें कहना प्रधानमंत्री बन जाना है, वो मेरा मतलब कुछ भी लिख लो जी। इलेक्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं जीता, जनता ने मैडम को चुना है, मैडम ने पीएम को चुना। ये सच्चाई है और ये सच्चाई हर लेवल पर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। पटेल साहब, ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ठीक से बैठाना होगा।